केंद्र सरकार ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख बनाने का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यरत हैं। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 से शुरू होगा। एक बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को कार्यभार ग्रहण करेंगे, जबकि वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे उसी दिन अपना पद छोड़ेंगे। 1 जुलाई 1964 को जन्मे उपेंद्र द्विवेदी को दिसंबर 1984 में सेना की इन्फेंट्री में कमीशन मिला था। जो यूथ है उसको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं, और जो मैं कहना चाहता हूँ रिकग्निशन और रिस्पेक्ट, आपको आपकी रिकग्निशन मिलेगी, आपकी इज्जत मिलेगी, आपको कश्मीरियत का जो आपका वादा है वो आपको वापस मिलेगा, आपको आपके रूट्स वापस मिलेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत देश आपको हमेशा ऊंची नज़रों से देखेगा, क्योंकि आप ऐसे काबिल नागरिक बनेंगे कि लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे।